हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फ्रेंच फ्राइड बनाना जा रही हूँ, जो कि मैंने ये चार आलू लिए हैं, जिसकी सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आलू चार आलू हैं और ये मैंने एक प्याज कट करके रख लिया है और एक ये टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये पिसी हुई लाल मिर्च है और ये हल्दी और नमक और दो हरी मिर्च को मैंने कट करके रख लिया है और ये एक कटोरी। आप चाहें तो आरारोट ले सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक कटोरी आरारोट लिया है। अब ये देखिए फ्रेंड, मैंने आलू को कट कर लिया है और आलू कट करने के बाद ये इस तरह ऐसे ही इसको कट करना है और इस तरह ये दिखना चाहिए। और कट करने के बाद अब इसे मैं हल्का पानी में थोड़ा सा बॉइल करूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, आलू मैंने बॉइल करके निकाल लिया है और ये अब हल्का ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं मसाला डाल के दिखाती हूँ। पहले मैं इसमें दो चम्मच आरारोट या मैदा, जो भी आपको डालना हो वो इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये डाल दिया हमने। फ्रेंड्स एक चम्मच हमने लाल मिर्च डाली, हल्का सा इसमें हमने नमक भी डाला और ये गरम मसाला है, इसको हमने 1 टीस्पून ये गरम मसाला डाल दिया है और साथ में जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसे मैं इसके ऊपर डाल करके मैश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने इसमें सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं और कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, जो कि गरम हो चुका है। अब देखिए इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। ये देखिए, इसको इस तरह हल्की आंच पर इसे फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो रहा, पूरी फ्राई हो जाएगी तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये फ्राई होकर इस तरह तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ, इसमें फिर डाल के बताती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया और इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल दी हूँ और तेल ये गरम हो चुका है। जैसे तेल गरम होता है मैं इसमें जीरा और थोड़ा सा सौंफ डालती हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। फ्रेंड्स ये देखिए, तेल में ये जीरा और थोड़ा सा सौंफ हमने जो डाला है ये चिटकने लगा है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज इसमें अच्छी तरह फ्राई हो जाए और ब्राउन होने तक, जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता है, इसको यूं ही ऐसे चलाते रहिए। फ्रेंड्स ये देखिए, प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें दो हरी मिर्च को काट कर रखी थी उसे ऐड कर रही हूँ। ये हरी मिर्च को हल्का फ्राई होने के बाद, जैसे ये प्याज में हल्का फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें जो लाल मिर्च रखी थी उसको डाल रही हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा, ज़्यादा तीखा करना हो तो ज़्यादा या फिर हल्का। ये देखिए मैंने लाल मिर्च डाल दी है। अब इसके साथ ही मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था उसे ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। जैसे ही ये मिक्स हो जाता है मैं इसमें एक टमाटर जो उसको बारीक काट के रखी थी उसे ऐड कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये टमाटर को अच्छी तरह चलाना है और इसमें हल्का सा नमक, ये नमक डाल दे रही हूँ और जैसे ही नमक इसमें मिक्स हो जाते हैं, इसको हल्की आंच पर टमाटर को गलने तक पकाना है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये टमाटर अच्छी तरह इसमें फ्राई हो चुके हैं और इसकी ये टमाटर इसके मसाले की ग्रेवी ये तैयार हो रही है। और जैसे ही ये गल जाते हैं, इसमें मैं जो आरारोट रखी थी थोड़ा सा बचाकर, उसका मैंने ये घोल तैयार कर लिया है और इस घोल को मैं अब इसमें ऐड करूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये घोल इसमें ऐड कर दी हूँ और जैसे ये गाढ़ा होता है
ये गाढ़ा होने लगा है धीरे धीरे। ये ग्रेवी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें जो फ्रेंच फ्राइड जो फ्राई करके रखा है इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए ये पूरी तरह इसको इसके साथ में और आँच को धीमी कर देना है और इसमें पूरी तरह से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स अब मैं इसे निकाल करके बताती हूँ। ये देखिए तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज ये तैयार हो चुकी है और अच्छी ये तीखी और चटपटी है और ग्रेवी के साथ में मैश है। और इसे बनाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और आप भी इसे बना करके देखिएगा और कैसा लगा बताइएगा। साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।